मैरी क्रिसमस। आप सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुकिंग मुखिया पर। आज हम बनाएंगे सुपर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी चॉकलेट केक। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। मैंने इस तरह से बिस्किट लिया है, ये ब्रिटानिया गुड्डे है, ये बटर वाइट है। आप इस तरह के दो पैकेट ले सकते हैं या फिर इस तरह से ले सकते हैं। मैं इन दोनों को मिलाकर बना रही हूँ। ये केक बनाना बहुत ही आसान है। इसका एक फाइन पाउडर बनाएंगे। आप चाहे तो इसको छान भी सकते हैं। इस तरह से हम इसको ऐसे तोड़ के डाल लेंगे सारे बिस्किट को। थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे। ये बिना अवन एगलेस केक है, कढ़ाई में ही बनाएंगे हम। इसको हम पीस लेते हैं। इसका हमने ये फाइन पाउडर बना लिया है। अगर आपको लगे तो आप छान भी सकते हो इसे। आज हम इसे कढ़ाई में बनाएंगे। ये हम बिना मैदा बिना चीनी के बनाएंगे क्योंकि ये मीठा अच्छा है। अगर आपको लगे तो आप एक दो स्पून चीनी डाल सकते हो, मगर मैं यूज नहीं करूंगी। अब इसमें रूम टेम्परेचर पे हम दूध ले रहे हैं, इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक गिलास दूध लिया है। दूध अभी इसमें हो जाएगा। इसमें भी ये थोड़ा सा दूध पड़ा था, ये भी हम डाल देंगे। अभी बेटर हमारा थोड़ा सा गाढ़ा है, अब इसमें थोड़ा सा दूध और जाएगा। इसमें हम यहाँ कोको पाउडर डालेंगे। आप इसमें चॉकलेट भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच हमने ये कोको पाउडर डाल दिया। इसको मिक्स कर देंगे, इससे अच्छा चॉकलेट फ्लेवर आएगा। तो बेटर हमारा गाढ़ा है, इसमें थोड़ा सा दूध और डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा और दूध डालेंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें अभी दूध और जाएगा। इसमें पूरा 1 गिलास दूध इसमें लग गया है। इसका बैटर इस तरह से रहना चाहिए। और ये परफेक्ट बैटर बन गया हमारा। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे तो 1 टीस्पून हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। अब इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। इसको लास्ट में ही डालना है जब आपको बेक करने के लिए सब तैयार कर लिया हो आपने। हमारे पास ये केक टिन है, आप किसी में भी बना सकते हो, किसी बाउल में। मैंने यहाँ पे बटर पेपर लगाया है। आप इसमें इस तरह से कोई भी ऑयल या घी लगा के थोड़ा सा मैदा को डस्ट कर दें, तब भी केक आपकी आसानी से निकल आएगी। हमारे पास बटर पेपर था तो मैंने इस तरह से बटर पेपर को डाल के इस तरह से घी लगा दिया है। इस तरह से हम ट्रांसफर कर देंगे। आप इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो। इसको इस तरह से टैप कर देंगे। टैप करने से सारे एयर बबल्स निकल जाएंगे हमारे। चलिए कढ़ाई की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ पे इसमें हमने ये नमक काफी बार यूज किया है, वही हमने यहाँ पे नमक डाला। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, इस तरह से ये आप वो भी रिंग कटर या फिर कोई उल्टी करके कटोरी भी रख सकते हो, उससे भी बन जाएगा। इस तरह से इसको रख देंगे। इसको कम से कम 30 से 35 मिनट के लिए रखेंगे। बीच में से 20 मिनट बाद इसको चेक भी कर लेंगे। पहले गैस को थोड़ा हाई रखेंगे, फिर 5 मिनट बाद इसको स्लो कर देंगे बिल्कुल। तो तब तक हम इसका चॉकलेट सॉस बना ले रहे हैं। तो इस तरह से हमें ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है, ये वाइट है। दोनों को मिक्स करके बनाएंगे। आप चाहे तो डेरी मिल्क की चॉकलेट भी ले सकते हैं। इसको बारीक बारीक कट कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम हम स्लो कर देंगे। बारीक बारीक चॉप करने से
ये आसानी से मेल्ट हो जाएगी, जल्दी मेल्ट हो जाएगी। इसका बस इतना ही यूज करेंगे। आप चाहे तो केवल डार्क चॉकलेट का भी यूज कर सकते हैं। ये डबल वॉयलर मेथड से हम इसको करेंगे, तो इसमें पानी इसमें टच नहीं होना चाहिए। इस तरह से अब इसको हम इस तरह से इसमें रख देंगे और इसमें हम दूध डालेंगे, 3 से 4 चम्मच दूध डाल देंगे। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाए तब तक हम इसको इस तरह से चलाते रहेंगे। देखिए अच्छे से मेल्ट हो गया है, गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। पानी अभी हमारा काफी गर्म है, इसको ये अच्छे से मेल्ट होती रहेगी। इसको हम निकाल लेंगे, हमारा रेडी हो गया है। चेक करते हैं, ये 35 मिनट हो गया है। मैंने एक बार इसको और खोल कर देखा था, इसको हम टूथपिक डाल के देखते हैं। ये हमारा परफेक्ट हो गया है, ये बन के तैयार हो गया। टूथपिक हमारी बिल्कुल क्लीन आ रही है, तो इसको हम निकाल देंगे इसको आधे घंटे के लिए। जब इसे ठंडा हो जाएगा तब डीमोल्ड करेंगे। केक हमारा देखिए कितना स्पॉन्जी, ये परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। अब ये ठंडा हो जाएगा तब इसको डीमोल्ड करेंगे। ये देखिए साइड छोड़ दिया है, से हम इस तरह से निकाल लेंगे और इसको हम इस तरह से डीमोल्ड करेंगे। देखिए हमारा केक बनकर तैयार हो गया। देखिए कितना सॉफ्ट, इतनी आसानी से निकल गया। देखिए एक बार में ये सब पूरा आ रहा ना इस तरह से, इसका मतलब हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट बना है। इस पे हम सॉस डालेंगे जो हमने अभी बनाया था और इसको हम फैलाते जाएंगे। चॉकलेट केक हमारा बनके तैयार हो गया है। आप चाहे तो डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा इस तरह से ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। ये हमने बादाम काट के डाले हैं। ये अभी भी गर्म है थोड़ा सा। देखिए ये इतना सॉफ्ट बना है। आप इसे एक बार जरूर बनाएं। इतना डिलीशियस, इतना सॉफ्ट बना है, स्पॉन्जी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो का लिंक आप तक पहुँच सके। टेक केयर, बाय।